तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा खैरियत से होंगे। हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो जैसे एक गर्मी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो सारे ये भी मुंह खोल के खड़ी है बेचारी, उसको उसको देखो, इसको देखो, ये तो खा रही है, पर खोल के मुँह खोल के खड़े हैं, वो तो धूप में फिर रहा है, उसका भी मुँह खुला हुआ है। ये तो वैसे बड़ा कमीना है, ये हाथ नहीं आता भाई, इसका बंदा क्या करे अभी। तो ये करते हैं, वो मुर्गी भी शोर मचा रही है, उसको भी खोलना है बच्चों वाली। तो यार हमने एक ये यहाँ बंद कर दिया है, एक ये मुर्गा और एक ही मुर्गी, ये बेचारे मुंह खोल खड़े हैं। और इधर एक मुर्गी हमारी कूड़ा खो गई है, ये शायद नज़र आए, नहीं नज़र आ रही यार, ये नज़र आ रही है, नज़र आ रही है, ये बैठी हुई है अंदर। इसको हमने वो अंडा भी बिठाया है, ये देसी मुर्गी है हमारी, लेकिन ये भी इसने सिर्फ 7 अंडे दिए और कूड़ा खोल गया। और फिर हमारे पास पड़े हुए थे कोई आई थिंक 4 असील के उस पर पड़े हुए थे, सॉरी क्या 4 असील के अंडे पड़े हुए थे और 3 अंडे पड़े हुए थे हमारे पास इसी मुर्गी के देसी। तो हमने वो रख दिए और सारे रख दिए। अभी यार ये सारे प्यासे खड़े हुए हैं, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इनको पानी डालते हैं। वो मुर्गी भी शोर मचा रही है बाहर निकलने के लिए, ये बेचारे भी बाहर आ जाएंगे। चलो 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 यार, अंदर तो जगह ठंडी है थोड़ी सी, बाहर तो गर्मी बढ़ रही है। अच्छा यार ये चूजा जो पड़ा, एक चूजा ये जो माज लेके आया था, इसका सीन कुछ ऐसा बना। ये पानी रखने का लिया पड़ना, वो मुर्गा इधर उधर घूमने लग गया भाई। इसका पेयर लगाना है इस मुर्गी के साथ, जाओ इस मुर्गी से अंडे लेने हैं, फर्टेलिटी लेके फिर इसको इसकी भी ब्रीड बनाते हैं, करते हैं। और इनका पानी पड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, वो पड़ा हुआ, वो हाँ पड़ा है, पानी पड़ा है, इनका पानी गिराया नहीं, उन्हें गिरा देते हैं। उसका चूजा कहाँ गया, वो घूम रहा, ये खा लेते हैं यार। अब दूसरे चूजा खोलते हैं, इनको ये शोर मचा रही है। इनका भी पानी पड़ा हुआ है, लो ये कहाँ आ रहे हैं, बाहर जाओ, हटो, वापसी अंदर आ गए। चलो यार ये हटा लिया तुमने, यार ये चूजे करने लगे मैं सेल। इसमें से 2 ब्राउन चूजे हैं ना, वो करने हमने सेल, वो सेल करने हैं। सेल करने की वजह ये है कि फिलहाल चूजे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जगह नहीं है, सेटअप आपको पता थोड़ा सा, और जगह अभी तक बनाई नहीं है, वो बनानी है फिर करेंगे। तो इस वजह से 2 चूजे सेल करने हैं, फिलहाल सिर्फ 2 चूजे सेल करने हैं, क्योंकि ये पहली ब्रीड है और पहली ब्रीड मैंने अपने पास रखनी थी इनकी, लेकिन फिलहाल मैंने 2 चूजे सेल कर रहा हूँ। और यार एक सीन ये हुआ कि कहाँ वो खड़ा, ये कमीना परसों भाग गया नीचे, और इसको पकड़ने की इतनी कोशिश की, लेकिन जब ये क्या कर रहा है, ना मार उनको, चल उनको खाने दे, चल इधर चल चल, ये इनको बाजरा डाल दें। आगे है यार, बच्चों को खिलाएगी अपनी प्रिया, जब खिला लेगी फिर वो दूसरी आएगी, बच्चों को खिलाएगी। वो यार अंदर तो बाजरा डाला ही नहीं उनको, ये बहुत है क्योंकि पहले भी पड़ा हुआ।
यार इनकी जो डाइट है सुबह में इनको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सुबह में इनको दे रहे हैं कि सूखी भीगी हुई रोटी, फिर दाना खाते नहीं है गर्मी में, और गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है अभी इस टाइम भी। क्यों मार रही है, क्यों मार रही है वो सारे चूजे? चूजे भी बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह से। इसको मार रही थी यार, इसका पैर, इस वाली पैर इसके साथ लगा हुआ है पैर, क्योंकि मुर्गा मुर्गी अच्छे खासे हाइट में, तो बच्चे भी इनके इंशाल्लाह अगर निकलेंगे वो भी काफ़ी हाइट में निकलेंगे। तो फिलहाल ओए शर्म कर, खैयार है, खैयार रोजेदारों के सामने क्या खा रहा है? नीम को रोजे नहीं रखता हैं? क्यों नहीं रखता, क्यों नहीं रखता रोजे बता, बता रोजे क्यों नहीं रखता? चलो भाई इसमें नहीं बता, ये रोजे क्यों नहीं रखता, अच्छे हैं यार बच्चों ने कहा। तो यार फिलहाल ये सीन है हमारे, और इंशाल्लाह जो अभी मुर्गी बिठाई है उसके भी कोई तकरीबन कल चेक किए थे हमने, इनके अंडे फर्टेलिटी थी, आ गई थी इसमें, लेकिन दोबारा हम इसके अंडे चेक करेंगे इंशाल्लाह, फिर वो भी वीडियो में दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए यही कुछ सीन था, और जो मेन चीज़ बतानी थी दो चूजे सेल करने, हाँ और एक नई चीज़ हमने आपको दिखानी है कि हमारे पास ये एक अजीब नस्ल की मुर्गी दिखाता हूँ आपको। बैठी हुई है, निकल निकल निकल, नजर आ रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, निकल अब्दुल्ला हट वहाँ से, निकल निकल यार, नहीं निकल रही, निकल 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 निकल, निकल। ओ निकल, ये निकली, ये भाई किसी को पता कौन सी ब्रीड है? चल 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 चल, यार ये देखो ये मुर्गी है अजीब सी भाई, इसने चलना होता है मुंह नीचे डाल के सीधी चलती जाती है, और कुछ लोगों को लग रहा होगा ये वो मुर्गी है, कौन सी, हाँ जो फार्मी मुर्गी होती है ये मुर्गा है, नहीं ये मुर्गी है, ये फार्मी भी नहीं है और मुर्गा भी नहीं है, ये है मुर्गी, ये देखो उई वो तो मारती है भाई, नहीं मारती है, मारती है मारेगी, माशाल्लाह भाई प्यारी है, लेकिन इसे बाल बोल रही है। ये हमारे पास, ये मेरा छोटा भाई लेके आया, पता नहीं कहाँ से किसने भी ले गया है, कोई पता नहीं, अगर किसी को इसकी ब्रीड पता तो लाजमी बताना यार, अजीब सी है, इतना बड़ा ताज, छोटी सी पर भी नहीं है बेचारी के, पर मेरे ख्याल इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि जिसने रखा होगा सही तरीके से नहीं रखा होगा इस वजह से। तो चलो यार ये तकरीबन आज की वीडियो थी, और यार ये इसकी एक चीज़ बताता हूँ, ये जब अंडा देती है ना, अंडा पहले तो डब्बा पड़ा हुआ था वहाँ पे, वो जो अंदर डब्बा पड़ा है, क्या हो गया है, जो अंदर वो डब्बा पड़ा है ना, ये वाला, ये वाइट वाला डब्बा, ये पड़ा हुआ था वहाँ पे नुक्कर में, तो ये वाली मुर्गी ना, ये वाली, वो वाली मुर्गी देती थी उधर बैठ के छुप के अंडा, लेकिन वो तो अंडा है नहीं, ये क्या करती है, ये घुस जाती है बोरी के अंदर, बोरी के अंदर पड़ा हुआ भूसा, बोरी के अंदर घुस के अंदर, क्या है वो पेटी के नीचे ले गई है, इसको क्या हो गया यार, अजीब बंदा, और चुप कर है, चुप, ये चीले आई हुई है यार, इस वजह से मेरे ख्याल शोर मचा रहे हैं, कौवा भी चील को मार रहा है, ओहो ओहो वो जा रहे, लड़ते जा रहे हैं अभी तक, नज़र आ रहा होगा होप सो। यार ये इस मुर्गे की ब्रीड लेनी है, ये मुर्गा बहुत प्यारा लगता है, तो इंशाल्लाह इसकी भी जल्द ब्रीड लेंगे एक दो महीने तक, ये अभी यार ये पट्टा है, इसकी ब्रीड ले तो सकते लेकिन है छोटा भी, इसका वो कील शील भी नहीं है, तो मैंने कहा एक दो महीने से वेट कर लेते हैं, लेकिन ये अभी भी दे देगा ब्रीड, लेकिन मैंने कहा नहीं थोड़ा एक दो महीने वेट करके फिर इसकी ब्रीडिंग होगी इंशाल्लाह। और अब ये है कि सेटअप ना लिया, सेटअप के लिए हमने एक दो टोकरे और लेके आने हैं,
टोकरी और लेके आने हैं और कुछ बर्ड्स वगैरह और लेके आएंगे इंशाल्लाह इसी तरह साथ साथ। अभी फ़िलहाल बहुत हैं ये, क्योंकि जब तक सेटअप नहीं होता, एक जगह पूरी मुकम्मल नहीं होगी इनको ढकने के लिए, तो तब तक कुछ और लेके नहीं आना। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अब अपनी ब्रीड जो घर से निकलेगी वही सेल करूँगा और उसी को उसी से अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड लेगा, उसमें से कुछ सेल कर देंगे, कुछ अपने पास रख लिया करेंगे। अब ये हैं कुछ एक दो ब्रीड्स हैं जो मेरे पास नहीं हैं, उनमें से जो काफ़ी ब्रीड्स नहीं है मेरे पास, तो जैसे लाखा हो गया, शामू हो गया, वो क्या हो गया यार ये बात पता कर, तो जैसे लाखा हो गया, शामू हो गया, अब ये चीज़ें हीरा नस्ल का कुछ अच्छी सी ब्रीड, एक आधी ब्रीड रखेंगे, उनसे ब्रीडिंग देंगे, कुछ अपने पास रख लेंगे, कुछ सेल कर देंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे करते करते सेटअप बना लेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा यार, तो अब ये जो बताना था ये जो दो ब्राउन चूज़े नज़र आ रहे हैं आपको, ये दोनों ब्राउन चूज़े मैं सेल कर रहा हूँ। किसी भाई को चाहिए तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे। देखें आपके सामने जैसे एक्टिव हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अभी तक मैंने कोई इनको सिर्फ घर में से कुछ जो बचता है टमाटर प्याज भीगी रोटी फीडिंग वगैरह मैंने इनको करा नहीं रहा सिर्फ वही, क्योंकि आपको पता है फीड थोड़ी गर्म होती है और गर्मी है, ऐसे बीमार फीमार हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा तब तक, और गाँव में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।